हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल वन, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली। यूआर का रिजल्ट सही है तो गलती किसकी है? तो गलती ये है अफवाह फैलाने वाले यूट्यूबर की। वो बोले कम्युनिटी शिफ्टिंग होता नहीं है, ये नहीं होता, नोटिफिकेशन पढ़ लो। मैं यूआर से हूँ तो मैं प्रभु श्री राम हूँ, मैं जो बोलूँगा वही सही होगा। और ऐसे ऐसे पेपर कटिंग वाले लोग हैं जो किसी ईमानदार व्यक्ति को काम नहीं करने देंगे यूट्यूबर पे। मैं फेस कर रहा हूँ 2-4 दिनों से ऐसा कि यूआर वाले कैंडिडेट तो मुझे लगते हैं कि काटने भी दौड़ रहे हैं। पता नहीं क्या इशू है उनके साथ, क्या प्रॉब्लम है, जबकि मेरिट की बात मैंने हमेशा किया है कि जो भी मेरिट होगा उनको सिलेक्शन मिलेगा। पता नहीं उनको इतना गिरावट आ गई है लेवल में, लोगों को समझने में, कि सोशल मीडिया पे दूसरों की बातें सुन के ऐसे बौखला जाते हैं जैसे लगता है कि आदमी आदमी को काटने पीटता है। और हो सकता है वो अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, फ्यूचर में ग्रुप सी में जाएंगे, कुछ ग्रुप सी तो ग्रुप डी भी हो गया, फ्यूचर में अच्छे पोस्ट पे भी जाएंगे, लेकिन काबिलियत अगर इम्प्रूव नहीं किए तो ग्रुप डी ही कहलाएंगे। इशू ये है कि टेक्निकली आप सामने वाले बंदा से बात कर रहे हो, सामने वाले बंदे को बारे में सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, तो आपको नहीं पता है कि सामने वाला बंदा क्या है। हो सकता है वो एक मजदूर भी हो, ठेला चलाने वाला भी हो सकता है वो एक पढ़ा लिखा भी हो, और हो सकता है वो तुम्हारे अधिकारी हो जो जिसके साथ तुम्हें ज़िंदगी भर काम करना है, ये भी नहीं पता तुम्हें। लेकिन फिर भी अपनी तरीके से बाज नहीं आते क्योंकि उनकी परवरिश ही वैसा हुआ है। तो चलिए आज एक और सच्चाई सामने आ चुका है, कम्युनिटी शिफ्टिंग नॉर्दर्न रेलवे में होगा, ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस का जीत सामने आ चुका है। बस फाइनल गोल पोस्ट में गोल चली गई है, केवल डिस्प्ले पे जीत की आनी बाकी है। हालांकि किसी चीज़ में सच्चाई आने में समय लगता है, यूट्यूबर पे और पेपर कटिंग कहने से तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो कैसे सामने आया है, जब लोग गए न्यू दिल्ली में तो उनकी वीडियो मैं छोड़ दूंगा थोड़ा सा आपको डिटेल में, तो उन्होंने ये बोला है कि 71.29 या 28 अभी यूआर का कट ऑफ गया है। उस यूआर को हमने बुला लिया सारे कैंडिडेटों को, क्योंकि उनकी नंबर ज़्यादा है, टॉप मेरिट में है तो उनको तो बुलाएंगे ही, लेकिन 71.28 से ऊपर जितने ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको हम फिर से मेरिट बना के, पहले ओबीसी में सिलेक्टेड थे, एससी में थे, ईडब्ल्यूएस में थे, उनको हम अब यूआर के वैकेंसी को देंगे। और जितने ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस वाले शिफ्ट वहाँ होंगे उनकी कट ऑफ के बारे में, जितने रेंज में आ जाएंगे 71.28 से ऊपर वाले में, उनके लिए हमने करीब करीब 500 सीटें रिजर्व रखा है। 500 तो अलग अलग करके उन्होंने बोला है कि कुछ 323 अलग है, 200 मेडिकल के लिए है, वो सब जोड़ के वो 500 सीटों में से जो बचेगा वो कैंडिडेट की कम्युनिटी में देंगे, जितना शिफ्ट होंगे वही देंगे। क्योंकि रियल में ओबीसी और एसी और ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं बच रही है, क्यों? इसका ये कारण है कि जो कैंडिडेट A1 में गए हैं, A2 मेडिकल था, A3 मेडिकल था, उन कैंडिडेटों को वहाँ पोस्ट प्रायोरिटी नहीं मिली यूआर में 75 नंबर लाने के बाद, उनको अपने कम्युनिटी में दिया गया क्योंकि उनकी पोस्ट प्रायोरिटी बढ़िया थी और पोस्ट प्रायोरिटी वाला पोस्ट मिल गया। तो आरआरसी देखिए इतना अनपढ़ नहीं होते लोग, उनके छोटे अधिकारी से आप बात करोगे, छोटे लोग से बात करोगे, हो सकता है अधिकारी वहाँ में जिन्होंने फ़ोन उठाया वो चाय बनाने वाला हो, या हो सकता है उनको वो उस डीबी से रिलेटेड उन्हें कोई मालूम नहीं हो, आपने फ़ोन करके बार बार इरिटेट करेंगे, जैसा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, अभी इसके साथ छोड़ दूंगा, इरिटेट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ जवाब देना होता है। और हर आदमी का एक बिहेवियर होता है, जैसे मेरे साथ हो रहा है, जैसे यूआर वाले ने एक तरह से हमला बोल रखा है, और कई सारे मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, चैनल वाले ने बहका रहे हैं इनको, गलत चीज़ बता रहे हैं, मेरिट की बात ही नहीं कोई कर रहा है, गलत ही बता रहे हैं कि कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जितना कैंडिडेट एलिजिबल होगा उसको दिया जाएगा, और नॉर्दर्न रेलवे देश की राजधानी है थोड़ा सा, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होगा, पिक्चर क्लियर होगा, जनता जागरूक है। तो चलिए मैं कह दूँ यहाँ पे कि जो ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है उनके लिए अभी न्यूज है, विन का न्यूज है,
लेकिन मिन जब तक आपको नहीं मानना चाहिए जब तक आपको डिस्प्ले पे नहीं आ जाए और हाथ में ट्रॉफी नहीं आ जाए, यानी आपका डीबी में नाम नहीं आ जाए। तो वेट कीजिए, आपकी डीबी में नाम होगा तो कभी रेलवे लाइफ को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। हालांकि मैंने कुछ किया नहीं है, ये आरआरसी का काम है, यूट्यूबर का काम है। कि वो एक बंदा, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ, वो लगातार बोल रहेगा, मतलब मेरा कोई यहाँ पर कॉल सेंटर तो है नहीं कि मैं केवल कॉल और मैटर कर रहा हूँ। मैं ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में रहता हूँ, कभी कोई काम में लगा हूँ, कभी दूसरा काम कर रहा हूँ, पेशेंस रखते नहीं है। मैं कॉल बैक भी करता हूँ, मेरी आदत है कि अगर मिस कॉल आया तो मैं कॉल बैक करता हूँ, लेकिन मुझे इरिटेट इसलिए कर देते हो ना आप लोग, इतना सारे कॉल कर करके तो फिर वो मैं कॉल उठाना बंद कर देता हूँ। इतने कॉल उठना संभव नहीं है ना भाई। सर मैं ऐसे ज्यादा करूँ तो मतलब कॉल, मतलब कोई एक बंदा बात कर ले, या तो तुम, तुमको मैंने पिक्चर बता दी जी सर, सारा डिटेल में तुम ग्रुप में डाल दो कि ये स्टेटस है, इसलिए ज़्यादा अधीर होने की जरूरत नहीं है। और अभी जितने कैंडिडेट युवान में शिफ्ट होंगे उनके लिए ओबीसी की और कम्युनिटी की जितनी वैकेंसी खाली होंगी उनका हम थर्ड राउंड में बुलाएंगे उनके लिए। वो तो क्लियर, वो अपनी कट ऑफ लेंगे, वो हाँ ओबीसी की आएगी वैकेंसी तो ओबीसी वाले अपने कट ऑफ में जाएंगे तो उसमें सबका नंबर आ जाएगा उसमें। सर जैसे हाँ जैसे कि आप बता रहे हो कि हमारा जो 74 वाला बंदा था जो पहले राउंड में बता रहा हूँ, तो उसको यूआर में काउंट नहीं किया। नहीं वो उस समय तो किया होगा, नहीं वो यूआर में काउंट होगा। 74 तो सर ओबीसी का है, पहले जब अब उसको सर मेरिट मिल जाएगी ना तो उस बंदे को अब 74 मतलब उसमें काउंट नहीं किया यूआर में। लेकिन अब 71.28 आ गया, यूआर के अब वो 75 वाला, वो 74 वाला यूआर में जाएगा, वो अब हां मतलब वो ओबीसी की खाली वाले करेगी। हां सर वो यही तो ओबीसी सीट जब खाली करेगा तो तुम्हारा जो अपना कट ऑफ है 74 वो डाउन होगा, क्योंकि उतनी वैकेंसी हमको भरनी है तो उसमें फिर परसेंटेज डाउन हो जाएगा, कट ऑफ डाउन होगा उसमें, मतलब शिफ्टिंग है। सर हमें यही लगा था कि कल जैसे यूआर की कट ऑफ डाउन हुई है और एचटीपी हुई है तो हमें लगा कि नहीं, कट ऑफ डाउन इसलिए हुई है ना उनकी क्लियर वैकेंसी थी हमारे पास, हमारा मतलब सर हमें तो लगा था कि सर वो कमेटी सीट खाली आ गई, अब तक उस कमेटी वाइज सीट खाली तो नहीं, कमेटी वाइज है ना एसटीजेक्स की तो एसटी और यूनिवर्सिटी यूआर हां एसटी की 76 थी और इसकी थी जो 1200 के समथिंग थी जिसमें से हमने माइनस किया हो। और अभी इसलिए भी है ना कि हर उसके लिए हमने पोस्ट रिजर्व रखी हुई है, मतलब जहाँ जहाँ के केस अटके हुए हैं उन सबके लिए पोस्ट रिजर्व रखी हुई है। जैसे मेडिकल हो गया तुम्हारा, तुम्हारे लिए पोस्ट रिजर्व रखी हुई है, हम तो ये मान रहे हैं कि तुम सब पैनल में हो, तो वो अज्यूम करते हुए हमने उतनी पोस्टें रखी हुई हैं। सर जैसे 300 ये बीच वाले बच्चे और 600 ये नए जो बुलाए हैं इनको दे के अभी वो जनरल वाली सीट अभी बची है किस तरह? वही तो बता रहे हैं 686 से अलग 323 बचे, 323 नहीं टोटल 523 बस वैकेंसी बची हुई है उसकी, 523 मतलब अब मेडिकल भी काउंट कर रहे हैं, मेडिकल भी काउंट कर रहे हैं ना।